पूर्व मंत्री सज्जन सिंह वर्मा के सुजालपुर आगमन पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया। कांग्रेस नेता सज्जन सिंह वर्मा एक निजी कार्यक्रम में सुजालपुर पहुंचे थे। इस अवसर पर वर्मा ने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मीडिया से चर्चा में कहा कि इस देश का युवा भाजपा की कथनी और करनी को जान चुका है। इस देश के सभी राजनीतिक दल एवं मतदाताओं को ईवीएम मशीन का विरोध करना चाहिए ताकि बैलेट पेपर से संपूर्ण देश भर में मतदान हो, जिससे कि पारदर्शिता बनी रहे। इस देश में नौजवान बड़ी संख्या में बेरोजगारी के दंश का शिकार। भारतीय जनता पार्टी ने, नरेंद्र मोदी ने इस देश में मंदिर मस्जिद का खेल इतना सुंदर रचा है कि भारत का जनमानस उसके बाहर निकल ही नहीं पा रहा। किसी भी देश में क्रांति होती है तो वो नौजवानों के द्वारा होती है। मेरी नज़रिए से तो ईवीएम मशीन का बहिष्कार सारे राजनीतिक दलों ने करना चाहिए। जो जिस देश ने ईवीएम मशीन बनाई है वो बैलेट पेपर से चुनाव कराता है, उसके पीछे कोई तो कारण होगा। लेकिन भारत में तानाशाहों का राज नहीं है। चुनाव आयोग पे कब्जा है प्रधानमंत्री का, न्यायपालिका पे कब्जा है, सीबीआई, इनकम टैक्स, हर संस्था पे कब्जा है। तो यदि ईवीएम के खिलाफ ये आदेश जारी करवा दिया मोदी जी ने कि ईवीएम के खिलाफ यदि कोई आंदोलन करेगा देश में उसको पकड़ के जेल में डाल दिया जाए। दूसरी बात, एक सुप्रीम कोर्ट के जज इस कमेटी में होते थे, चुनाव आयोग के लिए जो निर्णय लिए जाते थे, प्रधानमंत्री, नेता प्रतिपक्ष और एक सुप्रीम कोर्ट के जज। तो मोदी साहब ने नया नियम बना दिया कि सुप्रीम कोर्ट का जज नहीं रहेगा, कोई भी केंद्रीय मंत्री उनकी जगह रहेगा। तो बहुमत तो उन्होंने अपने आप कर लेगी, तुम्हारी सरकार है, मंत्री तुम्हारे ही। तो ईवीएम मशीन का बहिष्कार करके सारी दुनिया को ये बता देना चाहिए एक बार, ये ताराशाहों का